अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 27 मार्च 1970 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सात हिंदुस्तानी। इस फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन 8,10,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था आनंद। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 14 मई 1971 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था प्यार की कहानी। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 35,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 25 जून 1971 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था परवाना। इस फिल्म की कलेक्शन 37,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 23 जुलाई 1971 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था रेशमा और शेरा। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 15,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 25 फरवरी 1972 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था संजोग। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 20,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 3 मार्च 1972 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बॉम्बे टू गोवा। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,00,000,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 28 जुलाई 1972 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था एक नज़र। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 10,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1 सितंबर 1972 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बांसी बिरजू। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 25,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1 दिसंबर 1972 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था रास्ते का पत्थर। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 15,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 16 फरवरी 1973 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बंदे हाथ। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 10,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 11 मई 1973 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जंजीर। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 3,25,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 27 जुलाई 1973 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था गहरी चाल। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 65,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 27 जुलाई 1973 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अभिमान। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 85,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 26 अक्टूबर 1973 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सौदागर। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 20,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 23 नवंबर 1973 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था नलखराम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,75,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 9 अगस्त 1974 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कसौटी। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,00,000,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 18 अक्टूबर 1974 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बेनाम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 85,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 18 अक्टूबर 1974 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 6 दिसंबर 1974 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मजबूर। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,85,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था दीवार। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5,25,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 21 मार्च 1975 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जमीर। इस फिल्म का बजट 1,10,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 11 अप्रैल 1975 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था चुपके चुपके। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,80,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 20 जून 1975 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मिली। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,20,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था शोले। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 23,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 14 नवंबर 1975 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था फरार। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 27 फरवरी 1976 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कभी कभी। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 10 सितंबर 1976 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हेरा फेरी। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 25 नवंबर 1976 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था दो अनजाने। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 7 जनवरी 1977 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अदालत। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 2,25,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 14 जनवरी 1977 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था
ईमान धर्म इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,30,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 21 जनवरी 1977 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था खून पसीना। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 2,75,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 8 अप्रैल 1977 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अराफ। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 75,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 27 मई 1977 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6,50,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 11 नवंबर 1977 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था परवरिश। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5,50,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 10 फरवरी 1978 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था गंगा की सौगंध। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 2,30,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 14 अप्रैल 1978 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बेशरम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,85,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 21 अप्रैल 1978 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कसमे बादे। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 3,65,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म 5 मई 1978 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था त्रिशूल। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5,75,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 12 मई 1978 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था डॉन। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,00,000,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म 27 अक्टूबर 1978 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 10,50,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 6 अप्रैल 1979 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 2,25,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 11 मई 1978 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जुर्माना। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 18 मई 1979 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मंजिल। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,00,000,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज थी। अगली फिल्म 8 जून 1979 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मिस्टर नटवरलाल। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 3,75,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 24 अगस्त 1979 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था काला पत्थर। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 3,25,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 16 नवंबर 1979 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सुहाग। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6,35,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 8 फरवरी 1980 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था 2 और 2 5। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,50,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 17 अक्टूबर 1980 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था दोस्ताना। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5,25,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म 28 नवंबर 1980 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था राम बलराम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5,75,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 12 दिसंबर 1980 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था शान। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,75,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 20 फरवरी 1981 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बरसात की एक रात। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 2,00,000,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 20 मई 1981 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था नसीब। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 9,00,000,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 22 मई 1981 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था लावारिस। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 9,25,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 14 अगस्त 1981 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सिलसिला। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 2,00,000,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज थी। अगली फिल्म 23 अक्टूबर 1981 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जराना। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,00,000,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 25 दिसंबर 1981 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कालिया। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,50,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 22 जनवरी 1982 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सत्ते पे सत्ता। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,75,00,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 5 मार्च 1982 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बेमिसाल। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 2,00,000,000 थी। बॉक्स हाउस पर यह फिल्म बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 23 अप्रैल 1982 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था देश प्रेमी। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 3,60,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 30 अप्रैल 1982 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था नमक हलाल। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 7,00,000,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 30 जुलाई 1982 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था खुद्दार। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5,75,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट थी।
अगली फिल्म 22 सितंबर 1982 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था शक्ति। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 18 फरवरी 1983 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था नास्तिक। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,30,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 8 अप्रैल 1983 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अंधा कानून। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6,25,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 29 अप्रैल 1983 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था महान। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 3,10,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज थी। अगली फिल्म 18 नवंबर 1983 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था पुकार। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 3,20,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज थी। अगली फिल्म 2 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था पुली। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 11,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 27 जनवरी 1984 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था इनकलाब। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 3,00,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 18 मई 1984 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था शराबी। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 13 सितंबर 1985 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था गिरफ्तार। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मर्द। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 12,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 6 जून 1986 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था आखिरी रास्ता। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5,75,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 12 फरवरी 1988 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था शहनशाह। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 23 दिसंबर 1988 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था गंगा जमुना सरस्वती। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,20,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 11 अगस्त 1989 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था तूफान। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,00,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 25 अगस्त 1989 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जादूगर। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,80,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 15 दिसंबर 1989 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मैं आजाद हूँ। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1,25,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 16 फरवरी 1990 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अग्निपथ। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 10 अगस्त 1990 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था आज का अर्जुन। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 7,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 1 फरवरी 1991 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 8,00,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 12 अप्रैल 1991 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अजूबा। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 2,30,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था इंद्रजीत। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 3,20,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 8 नवंबर 1991 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अकेलिया। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4,60,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 8 मई 1992 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था खुदा गवाह। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5,50,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 11 मार्च 1994 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था इंसानियत। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5,76,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 25 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मृत्युदाता। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 8,69,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 26 जून 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मेजर साहब। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 13,10,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 19,19,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 5 मार्च 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था लाल बादशाह। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 7,09,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 21 मई 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सूर्यवंशम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6,67,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 23 जुलाई 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हिंदुस्तान की कसम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 13,97,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 13 अगस्त 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कोराम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 8,96,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 27 अक्टूबर 2000 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मुहब्बतें। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 41,88,00,000 थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी।
अगली फिल्म 18 मई 2001 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था एक रिश्ता। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 17 करोड़ 78 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अक्स। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 8 करोड़ थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 14 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 55 करोड़ 65 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 5 अप्रैल 2002 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था आंखें। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 17 करोड़ 48 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 31 मई 2002 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 12 करोड़ 5 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 20 दिसंबर 2002 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कांटे। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 20 करोड़ 45 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 16 मई 2003 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अरमान। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6 करोड़ 82 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 19 सितंबर 2003 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बूम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6 करोड़ 23 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 3 अक्टूबर 2003 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बागबान। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 20 करोड़ 65 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 23 जनवरी 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था खाकी। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 25 करोड़ 79 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 23 जनवरी 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था एतबार। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4 करोड़ 25 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 11 जून 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था देव। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6 करोड़ 83 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 18 जून 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था लक्ष्य। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 23 करोड़ 56 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 25 जून 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था दीवार। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 13 करोड़ 24 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 13 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था क्यों हो गया ना। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 7 करोड़ 88 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 24 दिसंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 11 करोड़ 56 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था ब्लैक। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 23 करोड़ 19 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 22 अप्रैल 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था वक्त। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 20 करोड़ 25 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 27 मई 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बंटी और बबली। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 36 करोड़ 25 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म 1 जुलाई 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सरकार। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 24 करोड़ 84 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 22 जुलाई 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था विरुद्ध। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 10 करोड़ 7 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज थी। अगली फिल्म 23 सितंबर 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था दिल जो भी कहे। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1 करोड़ 69 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 9 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था एक अजनबी। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6 करोड़ 93 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 13 जनवरी 2006 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था फैमिली। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 8 करोड़ 58 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 11 अगस्त 2006 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कभी अलविदा ना कहना। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 46 करोड़ 41 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 8 दिसंबर 2006 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बाबुन। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 17 करोड़ 31 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 16 फरवरी 2007 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था एकलव्या। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 18 करोड़ 87 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2 मार्च 2007 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था निशब्द। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 7 करोड़ 53 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 25 मई 2007 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था चीनी कम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 17 करोड़ 30 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 31 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था आग। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 7 करोड़ 39 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 11 अप्रैल 2008 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था यार मेरी जिंदगी। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 50 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 9 मई 2008 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था भूतनाथ। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 23 करोड़ 99 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 6 जून 2008 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सरकार राज।
इस फिल्म की नेट कलेक्शन 34 करोड़ 31 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज थी। अगली फिल्म 15 अगस्त 2008 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था गॉड तुसी ग्रेट हो। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 12 करोड़ 51 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 13 सितंबर 2008 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था द लास्ट लियर। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 1 करोड़ 5 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 30 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अलादीन। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5 करोड़ 91 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 4 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था पा। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 31 करोड़ 34 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 29 जनवरी 2010 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था रन। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 8 करोड़ 12 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 26 फरवरी 2010 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था तीन पत्ती। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 4 करोड़ 77 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 1 जुलाई 2011 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बुड्ढा होगा तेरा बाप। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 13 करोड़ 85 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 12 अगस्त 2011 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था आकर्षण। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 37 करोड़ 19 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 18 मई 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था डिपार्टमेंट। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 11 करोड़ 89 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 30 अगस्त 2013 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सत्याग्रह। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 62 करोड़ 3 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 11 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था भूतनाथ रिटर्न्स। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 35 करोड़ 51 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज थी। अगली फिल्म 6 फरवरी 2015 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था शवित्तम। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 20 करोड़ 64 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 8 मई 2015 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था पीको। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 77 करोड़ 78 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 8 जनवरी 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था वाजिर। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 37 करोड़ 76 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज थी। अगली फिल्म 10 जून 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था टीन। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 18 करोड़ 85 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 16 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था पिंक। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 63 करोड़ 83 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 12 मई 2017 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सरकार 3। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 9 करोड़ 96 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 4 मई 2018 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था 102 नॉट आउट। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 51 करोड़ 78 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 8 नवंबर 2018 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 132 करोड़ 10 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 8 मार्च 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बदला। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 87 करोड़ 57 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 27 अगस्त 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था चेहरे। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 5 करोड़ 4 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 4 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था झुंड। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 14 करोड़ 30 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था रनवे 34। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 33 करोड़ 52 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था ब्रह्मशास्त्रा। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 230 करोड़ 23 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था गुड बाय। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 6 करोड़ 2 लाख की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था ऊंचाई। इस फिल्म की नेट कलेक्शन 28 करोड़ 70 लाख थी और यह फिल्म फ्लॉप थी।